जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार डेविड वार्नर ने घोषित की प्लेइंग 11 टीम पहले मैच में जीतने के लिए कर दिए ये बड़े बड़े बदलाव। तो इसमें दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार सनराइजर हैदराबाद की क्या बड़ी उभरती हुई टीम आप सभी को दिखने वाली है उसके बारे में। और हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद आप भी कहोगे कि सबसे ज्यादा जबरदस्त प्लेइंग 11 टीम इस बार सनराइजर हैदराबाद की है। तो ऐसे में इस के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी, और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, युवराज सिंह ने की संन्यास से वापसी, खुद बयान जारी कर की पुष्टि, तो इस बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, आईपीएल 2020 के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पहुंचे दुबई, बोले जिंदगी बदल गई है, तो इस बड़ी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी डेविड वार्नर और महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2020 का आरंभ बस अब कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। तो वहीं 19 सितंबर को पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाएगा, जिसको लेकर सभी दर्शक जरूर उत्साहित होंगे। तो वहीं अपनी अपनी फेवरेट टीमों को देखने के लिए दर्शक इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि वो सभी उनकी जीत भी देखना चाहते हैं। तो ऐसे में इस बार की जो सबसे ज्यादा मजबूत टीमें दिखाई दे रही हैं उसमें है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम, और कहीं ना कहीं तक जो सबसे खतरनाक टीम साबित होती है वो है सनराइजर हैदराबाद की टीम। जी हाँ दोस्तों, सनराइजर की टीम में इस बार इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसको लेकर लगता है कि इस बार सनराइजर हैदराबाद की टीम एक बार फिर से आईपीएल का खिताब जीतने में जरूर सफल हो सकती है। तो इसी को लेकर सनराइजर हैदराबाद टीम के कप्तान अपनी प्लेइंग 11 टीम में काफी बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सनराइजर हैदराबाद की कौन सी बड़ी प्लेइंग 11 टीम आप सभी को मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, जो शुरुआत करेंगे सनराइजर्स की तरफ से वो होंगे कप्तान डेविड वार्नर, क्योंकि वह एक आईपीएल के काफी अच्छे दिग्गज खिलाड़ी हैं और इनके आंकड़े भारतीय बल्लेबाजों से भी काफी बेहतर हैं। तो वहीं बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे वो इंग्लैंड टीम के खतरनाक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो होंगे, और वहीं जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाज मनीष पांडे होंगे, और चौथे नंबर पर बात की जाए तो चौथे नंबर पर हम सभी को विजय शंकर खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर जानकर यह हैरानी होगी कि केन विलियमसन का नाम है प्लेइंग 11 टीम में नहीं जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, केन विलियमसन का भी एक बयान निकल कर आया था जिसमें लग रहा है कि केन विलियमसन इस बार आईपीएल 2020 का मुकाबला नहीं भी खेल सकते हैं, तो जिसके चलते जो टीम है इसमें केन विलियमसन खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो वहीं बात करें पांचवें स्थान की, जो पांचवें स्थान पर उतरते हुए हमें दिखाई देंगे वो घरेलू टूर्नामेंट में खेलने वाले विराट सिंह होंगे, और छठे और सातवें नंबर पर खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद नबी और राशिद खान को चुना गया है। और वहीं बात करें आठवें और नौवें नंबर की, तो आठवें नंबर पर शहबाज नदीम हम सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे, और नौवें स्थान पर भुवनेश्वर कुमार को रखा गया है। तो वहीं दसवें स्थान पर भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद को चुना गया है, और ग्यारहवें नंबर पर संदीप शर्मा को जगह दी गई है, और ऐसा हो सकता है कि उनकी जगह पर सिद्धार्थ कौल को भी मौका दिया जाए। तो चलिए, अब हम आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम जल्दी से, तो दोस्तों जो शुरुआत करेंगे वो कप्तान डेविड वार्नर होंगे, फिर जो उतरेंगे मैदान पर वो जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे, विजय शंकर, विराट सिंह, मोहम्मद नबी, राशिद खान, शहबाज नदीम, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल या फिर संदीप शर्मा। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 टीम के साथ इस बार का पहला मुकाबला और सभी मुकाबले जीते हुए फाइनल में पहुंच पाए या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो युवराज सिंह ने की संन्यास से वापसी, खुद बयान जारी कर की पुष्टि। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के सिक्सर किंग कहे जाने वाले युवराज सिंह ने 10 जून 2019 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, और उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम के कई बड़े टूर्नामेंट जिताए थे। हालांकि अब वह अपने इस संन्यास से वापसी कर रहे हैं। दरअसल युवराज सिंह पंजाब के लिए घरेलू टी20 क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम आपको बता दें कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने युवराज सिंह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के लिए कहा, और युवराज सिंह ने इसके लिए हामी भर दी है, और इसकी पुष्टि खुद उन्होंने अपने बयान में की है। दरअसल क्रिक बज में छपे एक बयान में युवराज सिंह ने, मुझे पंजाब के इन युवा खिलाड़ियों के साथ समय बिताना पसंद है, और खेल के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनसे बात करने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी उनके काफी मदद कर सकता हूँ। मुझे इस बात पर सुखद आश्चर्य होगा कि मैं गेंद को कितने अच्छे तरीके से मार रहा था, भले ही मैंने वास्तव में लंबे समय से बल्ला नहीं पकड़ा था, लेकिन जब भी मैंने अभ्यास किया तो गेंद मेरे बल्ले से अच्छी तरह से निकल रही थी। तो ऐसे में युवराज सिंह दोबारा से क्रिकेट में वापसी करते हुए हम सभी को दिखाई देंगे। तो आपकी युवराज सिंह के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में
उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आईपीएल 2020 के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पहुंचे दुबई, बोले जिंदगी बदल गई। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के शुरू होने से पहले ही बुधवार को दुबई पहुंच गए। तो वहीं हम आपको बताएं कि आईपीएल के 13वें सीजन का कार्यक्रम जारी हो गया और लीग के इस सीजन का पहला मौजूदा मैच विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में 19 सितंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा, जिसका जायजा लेने के लिए सौरव गांगुली दुबई के लिए रवाना हुए। तो वहीं हम आपको बताएं कि गांगुली ने रवाना होने से पहले इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने में वह पहली बार किसी फ्लाइट में बैठे हैं, एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए दुबई के लिए रवाना हुए हैं, जहां 19 सितंबर से आईपीएल का आयोजन होने वाला है। तो बाकी आप उनकी पोस्ट भी देख सकते हो। बाकी आपकी सौरव गांगुली के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2020 में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस इस बार नीलामी में सबसे मजबूत और संतुलित टीम उभर कर है। तो वही हम आपको बता दें कि इस बार मुंबई इंडियंस की टीम ने क्रिस लीन को विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए खरीदा है और वहीं नाथन कुल्टर नायल को बैकअप पेसर के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है। तो ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी में इस बार टीम का प्रयास रहेगा कि अपने 5वें खिताब को भी मुंबई इंडियंस की टीम जीत ले। तो ऐसे में रोहित शर्मा में मुंबई इंडियंस से 4 बार आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाने वाली इकलौती टीम है। तो वही हम आपको बताएं कि मुंबई की टीम ने 2013, 2015, 2017 और 2000 चैंपियनशिप जीती थी। तो ऐसे में इस साल भी रोहित शर्मा की टीम इतनी मजबूत प्लेइंग 11 टीम के साथ उतरने वाली है, जो जानकर आप सभी दंग रहने वाले हो। दोस्तों जो ओपनिंग करते हो हम सभी को दिखाई देने वाले हैं वो खुद कप्तान रोहित शर्मा उतरेंगे मैदान पर। तो वही जो दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा ने नाम रखा है खिलाड़ी का, वो है क्विंटन डीकॉक। जी हां दोस्तों, पिछले सीजन में डीकॉक मुंबई इंडियंस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुए थे और पिछले सीजन में हम सभी जानते हैं कि स्ट्रोक ने कितनी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और विकेट कीपिंग भी काफी बेहतरीन करी थी, जिसके चलते क्विंटन डीकॉक को दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो वही बात करें मिडल ऑर्डर की, तो मिडल ऑर्डर जो संभालेंगे वो होंगे क्रिस लीन। जी हां दोस्तों, बिग बैश लीग में इस बार क्रिस लीन ने जबरदस्त पर रोहित शर्मा ने डाल दिया है। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 टीम में क्रिस लीन की वापसी करवाई है। और वहीं बात करें चौथे किया गया है, तो वहीं बात करें 10वें खिलाड़ी की, जो 10वें खिलाड़ी होंगे वो न्यूजीलैंड के पेसर ट्रेंट बोल्ट होने वाले हैं और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आया है। तो दोस्तों मुंबई की पूरी टीम को रोहित शर्मा कप्तान, क्विंटन डीकॉक, क्रिस लीन, सूर्य कुमार यादव, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, राहुल चाहर, धवल कुलकर्णी, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। तो इसमें दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या इस टीम के साथ मुंबई इंडियंस की टीम अपना पहला मुकाबला और आईपीएल के सभी मुकाबले जीत पाएगी या फिर नहीं, आप अपने कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।